तो गाइस हम हाजिर हैं एक और तगड़े वाला डब्बा लेके और बहुत दिनों बाद डब्बे वाली अनबॉक्सिंग की जाएगी। तो ये हमारा एचपी का एक और तगड़े वाला थिन एंड लाइट लैपटॉप। स्टूडेंट और ऑफिस वाले जितने भी बंदे ये वीडियो देख रहे हैं भाई सब तुम्हारे लिए आया ये आजमा। और हाँ, इसकी मेन हाईलाइट है कि इसके अंदर हमारा 2GB का एक ग्राफिक कार्ड भी आता है। तो समझ रहे हो ना, तुम्हारा भाई गेम टेस्ट भी करने वाला इस वीडियो में और एकदम डिटेल में बातचीत करेंगे अपने लैपटॉप के बारे में। अगर तुम्हें नहीं पता तो हम डिटेल रिव्यू ही बनाते हैं और नहीं पता तो यार पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। मैं हूं आपका दोस्त आयुष, आप देख रहे हो अनबॉक्स टेक। चलिए गाइस, तो गाइस हमारा लैपटॉप एकदम फुल प्रोटेक्शन के साथ आया है और ये किताबी बातें इसका चिपक के बाहर आ गया। आज इनका किस्सा ही खत्म कर देते हैं, किस्सा खत्म कर देंगे आज। भाई साहब हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? तो ये आती है एक पावर कोड, ये एक हमारा 65 वोल्ट के चार्जिंग अडेप्टर जो कि अच्छे से आपके लैपटॉप को चार्ज कर देगा आराम से। थिन एंड लाइट में एनफ होता है इतना चार्जिंग। और डब्बा हो गया एकदम खाली, देख सकते हो आप। तो डब्बे का अब हमारे पास कोई काम रहा नहीं तो इसका भी किस्सा खत्म करते हैं। तो भाई अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो यार इसी बात पे लाइक कर सकते हो वीडियो को, और अगर पहली बार देख रहे हो अपने भाई को तो सब्सक्राइब कर भी ना मत जाना यार, बुरा लगता है भाई, समझते हो ना यार। और बेल आइकन को भी ऑल कर देना, अगर लाल कलर के बटन को दबा रहे हो तो बेल आइकन भी ऑल कर ही देना फिर। तो अपने लैपटॉप की प्रोटेक्शन को अगर बाहर निकाले तो हमें दिखेगी हमारे लैपटॉप की असली सुंदरता की वो कैसा दिखता है। तो यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल भाई साहब ब्लैक ब्यूटी के अंदर आता है, एकदम प्लेन डिजाइन, सिंपल डिजाइन और एकदम ऐसा लगता है कि एकदम जेट ब्लैक वाला कलर है, पूरी कंप्लीट ब्लैक फिनिश है। तो बाहर से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा डिजाइन है, यहाँ पे एचपी का लोगो है। तो ये पूरा प्लास्टिक का सरफेस है और थोड़ा सा अगर आप देखो तो एक टेक्सचर सा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और पीछे की अगर बात करें तो पीछे भी बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन है क्योंकि एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है और यहाँ पर हमें वेंट्स दिए गए हैं एयर इनटेक के लिए और जो हमारा फैन है वो इस हिंज के अंदर डला हुआ है, तो वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आता है एक RJ45 लैन पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक टाइप सी 3.0 के साथ जिससे आप फाइल ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो बहुत ही अच्छी स्पीड से, और हमें मिलते हैं दो इंडिकेटर्स पावर और USB के लिए। तो अगर राइट साइड के पोर्ट्स की बात करें तो एक आता है चार्जिंग पोर्ट, दो USB टाइप ए वाले 3.0 सुपर स्पीड वाले जिनके साथ 5 GBPS तक की स्पीड आपको मिल जाएंगी, और हमारे पास एक आता है मेमोरी कार्ड का स्लॉट। तो इस लैपटॉप की स्पेक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास प्रोसेसर है i5 11th generation, एंड अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें हमारे पास है 2GB का MX350 ग्राफिक कार्ड, 2GB ग्राफिक कार्ड के साथ इसके अंदर 4GB के एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड भी आपको इसके अंदर मिलेगा जो कि इंटेल के आयरिस XE ग्राफिक्स है जो इंटेल वाले प्रोसेसर के साथ आते हैं जैसे AMD के साथ रेडोन वाले आते हैं। और गाइस इसमें 8GB की DDR4 2666 MHz वाली रैम हमें मिलती है जो दो स्लॉट्स के अंदर डिवाइडेड है 4-4GB के अंदर। एंड अगर स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास है 512GB की SSD। भाई साहब HP के थिन एंड लाइट की तो मुझे लगता है कि एक अलग से प्लेलिस्ट बना सकता हूं मैं भाई साहब, इतने सारे अनबॉक्स हो चुके हैं चैनल पे। और हां इसके अंदर एक HDD वाले वेरिएंट भी आते हैं तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप हार्ड डिस्क वाला वेरिएंट लो, वैसे इसमें स्लॉट्स हमें मिलते हैं अगर आप हार्ड डिस्क वाला लेके SSD अपग्रेड कराना चाहो तो। इससे बढ़िया फायदा इसी में है कि आप सीधा डायरेक्ट SSD वाला लैपटॉप ले लो क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं कंपैरेटिव टू HDD वाले लैपटॉप्स। तो इसकी रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 16GB, फिलहाल इसके अंदर 4-4GB की दो स्लॉट्स पे दोनों रैम लगी हुई आई है, तो अगर आपको अपग्रेड करनी है तो एक स्लॉट से रैम निकालनी पड़ेगी और फिर उसके अंदर डालनी पड़ेगी, तो वो आप देख लेना कि कैसे करोगे। तो क्योंकि SSD वाला वेरिएंट है तो आप लोगों का भी एक सवाल होगा कि भाई क्या हम इसके अंदर इंटरनली हार्ड डिस्क अपग्रेड कर सकते हैं, तो अगर इंटरनेट के हिसाब से बताऊं तो वहां तो बता रखा है कि हाँ हार्ड डिस्क इसके अंदर इंटरनली डाल सकते हो। अब ये सारे नेट के रिसोर्सेज है, मेरे को परमिशन नहीं होती कि मैं इसको खोल के चेक कर सकूं तो वो मैं नहीं कर सकता, तो जो मुझे इंटरनेट पे मिला मैं वो बता रहा हूं। और Amazon पे जो वेरिएंट अवेलेबल है उसके अंदर यही सेम स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, तो अगर वो वाला आपको बाय करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और बैकलिट नॉन बैकलिट दोनों कीबोर्ड अवेलेबल है, तो जो आपको लेना हो वो आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस अगर अपर लिड फ्लेक्स की हम बात करें तो क्योंकि एक प्लास्टिक लैपटॉप है थोड़ा बहुत फ्लेक्स तो आपको मिलेगा, लेकिन HP 15 के दूसरे मॉडल्स भी आते हैं तो उनसे अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे इतना ज्यादा नहीं लगा कंपैरेटिवली, मतलब बिल्ड क्वालिटी मुझे ओवरऑल इसकी काफी सही लगी। तो गाइस अगर कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो कि कितना है, थोड़ा बहुत तो आपको मिलेगा क्योंकि एक प्लास्टिक बॉडी है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है अगर देखें वैसे तो। यहाँ पे हमें HP सपोर्ट सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ मिलता है, यहाँ पे हमारा माउस पैड है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें इस लैपटॉप के साथ MS Office मिलता है, i5 11th gen और NVIDIA का लोगो, और यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड है जो कि बैकलिट कीबोर्ड नहीं है। अब क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और इसमें बैकलिट कीबोर्ड वाला वेरिएंट भी आता है तो आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें मिलती है स्पीकर ग्रिल, यहाँ पर हमारा पावर का बटन, और यहाँ पे HP की ब्रांडिंग, और यहाँ हमारी डिस्प्ले आप देख सकते हो कि कैसी लग रही है। और इस लैपटॉप के अंदर हमें मिलती है 250
50 nits की FHD IPS anti glare panel जिसके अंदर 45% का NTSC rate है और काफी ज्यादा अच्छी डिस्प्ले है, मेरे को तो बहुत सही लगी। और इस रेंज में यार इतनी ही क्वालिटी की डिस्प्ले आपको मिलेगी हर लैपटॉप में, बहुत ही कम लैपटॉप है जिनमें 100% sRGB मिलती है, लेकिन फिर वहां पे आपको दूसरी चीजों से सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, एकदम मस्त वाली डिस्प्ले मिलती है हमें यहाँ पे। तो गाइस आप वेबकैम की क्वालिटी को देख सकते हो कि कैसी है, मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट ऐड नहीं करी है, जितनी स्टूडियो में लाइट चल रही थी उन्हीं लाइट्स के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो क्वालिटी मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा सही लगी मेरे को। और अगर माइक की बात करें तो माइक इसका रिकॉर्ड हो रहा है, तो माइक की क्वालिटी देख लो भाई ऐसी ही मिलेगी, और ज्यादातर हर लैपटॉप में ऐसी आती है, तो आई थिंक आपको वेबकैम की क्वालिटी समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइस इसके स्पीकर्स की बात करते हैं और कोशिश करूंगा कि आपको जैसी एक्चुअल में साउंड है वैसी सुना पाऊं। तो गाइस एक छोटा सा स्पीकर टेस्ट करके देख लेते हैं इसका कि कैसी आवाज हमें मिलती है इसके साथ। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसकी कैसी आवाज़ लगी। ओवरऑल बताऊं तो डिसेंट क्वालिटी की आवाज़ है, जैसी हर लैपटॉप में मिल जाती है। लाउडनेस की बात करें तो वो भी ठीक ठाक सी है, एंड बाकी आपने सुनी लिया। तो यार क्योंकि इसके अंदर हमें 2GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है, तो यार गेम टेस्ट करना तो बनता है, तो GTA 5 टेस्ट करे बिना तो काम चलेगा नहीं। तो गाइस आप सेटिंग्स देख सकते हो कि सेटिंग्स हमने क्या रखी हुई है। फिलहाल मैंने नॉर्मल सेटिंग्स पे रखा हुआ है क्योंकि मुझे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है MX 350 से, तो आप भी नॉर्मल सेटिंग्स पे रखना, आराम से स्मूथ गेम प्ले चल जाएगा। एंड देखते हैं कितने FPS मिलते हैं हमको यहाँ पे। तो फिलहाल हमें 30 के आसपास FPS मिल रहे हैं और बीच बीच में ये 40 के आसपास पहुंच जाते हैं। मैंने गेम प्ले जब इसमें खेल के देखा था तो 60 भी टच हो रहे थे बीच बीच में। तो MX 350 में 2GB का ग्राफिक कार्ड है, ज्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो 40-50 FPS भी अगर आपको मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि फिलहाल मेरे पास आ रहे हैं, आराम से ठीक ठाक सेटिंग्स पे मस्त वाला गेम प्ले आपको GTA 5 में मिल जाता है इस वाले ग्राफिक कार्ड के साथ। GTA 5 के साथ आप वैलोरेंट वगैरह और जो भी छोटे मोटे गेम्स है जो AAA टाइटल वाले नहीं है वो बड़े आराम से आप खेल लोगे, स्मूथ गेम प्ले आराम से मिल जाएगा आपको इस वाले लैपटॉप के अंदर। तो मैंने इसके अंदर फोटोशॉप यूज करके देखा एंड मुझे बिल्कुल कोई लैग नहीं मिला, बड़े आराम से मेरा सॉफ्टवेयर रन कर रहा था और सारे काम आराम से निकल रहे थे। तो हाँ, प्रोडक्टिव काम काफी हद तक इस वाले लैपटॉप में कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता है और प्रोसेसर पे डिपेंडेंट होते हैं ये वाले सॉफ्टवेयर। तो i5 11th एक काफी अच्छा प्रोसेसर है एंड डेफिनेटली आप उसके हिसाब से इसमें सारे काम कर पाओगे। तो अब बात करते हैं कि ये लैपटॉप किन लोगों के लिए बढ़िया है और किन लोगों के लिए बेकार है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक स्टूडेंट हो जिनको अच्छे वाला तगड़े वाला बैटरी बैकअप चाहिए होता है, और या फिर आप एक ऑफिस वर्क वाले बंदे हो जिसको ज्यादा तगड़े काम तो करने नहीं है, मतलब ऑफिस से रिलेटेड काम ही करना है, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हो थोड़ा बहुत तो वो आप इससे हो सकते हो, तो वो लोग डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को खरीद सकते हो क्योंकि बैटरी बैकअप इसके ग्राफिक कार्ड होने के बाद भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है 4-5 घंटे का। मैंने यूज किया था, 4-5 घंटे का आराम से मिल रहा था इसके अंदर हमें बैटरी बैकअप, क्योंकि इसमें 41 वाट आवर की बैटरी हमें मिलती है, तो उस हिसाब से डिसेंट बैटरी बैकअप मिलेगा आपको। एंड हाँ, अगर आप हैवी काम कर रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि चार्जिंग पे लगा के ही करना, क्योंकि फिर आपको कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल काम करना है तो जिस रेंज में लैपटॉप आता है इस रेंज के अंदर हमें बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि वो IdeaPad Gaming 3 या फिर Asus TUF F15, जो कि काफी ज्यादा हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप्स हैं, काफी तगड़े भी हैं। तो अगर आप लोगों को गेमिंग लैपटॉप चेक करने हो तो वो भी बहुत सारे हमने चैनल पे कवर कर रखे हैं, उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो उनकी वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप ये वाला लैपटॉप खरीद सकते हो आंख बंद करके, अगर आपको बैटरी बैकअप चाहिए तो। गाइस अगर मेरे ओपिनियन की बात करें कि क्या आपको ये वाला लैपटॉप खरीदना चाहिए या नहीं, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको बहुत ज्यादा हाई एंड काम करने हैं तो एक बार गेमिंग लैपटॉप चेकआउट कर लेना, लेकिन बैटरी का उसमें इशू रहेगा। बैटरी चाहिए और ठीक ठाक से प्रोडक्टिव सारे काम भी आपको निकालने हैं तो आप इस वाले लैपटॉप को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि 2GB का ग्राफिक कार्ड तो मिनिमम आपको चाहिए इसके अंदर। और हाँ, एक चीज बोलूंगा कि SSD के बिना लैपटॉप मत खरीदना, SSD हो उस लैपटॉप में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना SSD के फिर आपका प्रोसेसर कितना भी अच्छा हो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली बढ़िया वाली, तो SSD तो मस्ट है। और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लैपटॉप्स के लिंक मिल जाएंगे जो भी आप खरीदना चाहो, और थिन एंड लाइट में जितने भी मैंने अनबॉक्स करे उनके लिंक भी मैं देख लूंगा, तो चेकआउट जरूर कर लेना। तो अगर आपको खरीदना हो तो वहां से जाके आप खरीद भी सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे अपने भाई से डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की, और या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे डिस्कशन चलते रहते हैं कि भाई साहब कौन सा लैपटॉप अच्छा कौन सा नहीं है। तो बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो यार कर दो जाके, क्योंकि उससे ही तो मोटिवेशन मिलती है, सब्सक्राइब करने से ही तो मिलेगी ना मतलब यार, और लाल कलर के बटन को दबा के जाना, मुझे नहीं पता बस दब जाना चाहिए, और बेल आइकन को भी यार ऑल पे कर देना फिर अगर सब्सक्राइब भी करोगे, क्योंकि फिर फायदा नहीं होगा ना। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो वर्थ इट लगी हो। तो हम मिलते हैं आपसे एक और फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।